नमस्कार दोस्तों, हॉनटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कौन से रियलमी ऐसी डिवाइस है जिसको अक्टूबर महीने में अपडेट मिलने वाला है, मतलब कौन से ऐसी डिवाइस है जिसको अक्टूबर महीने में अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ में जो फीचर, मतलब एक्सपेक्टेड फीचर क्या आ सकती है, ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और कब तक आएगा, मतलब कब तक रोलिंग आउट देखने को मिलेगा अपडेट, तो मैं पूरा वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले भी वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। तो गाइस स्टार्ट करते, तो गाइस पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको सितंबर महीने का ऑल डिवाइस को कम से कम अपडेट मिल ही चुका है, तो रियलमी 1 और रियलमी 2 इनको शायद, हाँ रियलमी 2 को मिला, रियलमी 1 को अपडेट अभी तक नहीं मिला क्योंकि वो 2 साल हो गए। उसको मई में लास्ट अपडेट मिला था, मई या अप्रैल में या लास्ट अपडेट कुछ मिला था, इतना मेरे को याद नहीं है, लेकिन लास्ट अपडेट मिला था। तो गाइस पहले लिस्ट की बात करें तो पहले लिस्ट में आपको देखने को मिलता है रियलमी 1, U1, C1 और 2। तो गाइस रियलमी 1, C1 और 2 को 2 ईयर हो चुके, मतलब 2 साल हो चुके हैं, तो उनको अभी अपडेट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जैसे कि माधव सर ने बोला था कि 2 साल तक नंबर वाले यूजर को, मतलब नंबर वाले डिवाइस को 2 साल तक अपडेट मिलता है, 6 मंथ लगातार मिलता है और 6 मंथ के बाद 1-1 मंथ छोड़ के देखने को मिलता है। तो गाइस रियलमी 1, 2 और C1 को अभी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। और बात करते हैं रियलमी U1 की, तो रियलमी U1 को अभी अपडेट मिला है सितंबर महीने में, तो अभी उसको मतलब नवंबर में देखने को मिलेगा। सितंबर महीने का अपडेट देखने को मिल चुका है, तो अभी नवंबर में शायद लास्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसको भी शायद 2 साल हो जाएंगे नवंबर में, इतना मेरे को याद नहीं है, लेकिन लास्ट अपडेट नवंबर में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस है रियलमी C2। तो गाइस रियलमी C2 में आप लोग को पता होगा, रियलमी C2 में एक अभी जस्ट 2 दिन हुआ अपडेट आया था, फर्स्ट स्टेबल अपडेट रियलमी UI का C.47 का अपडेट आया था, मतलब स्टेबल अपडेट था गाइस। तो उसको भी अक्टूबर में एक अपडेट देखने को मिलेगा, कुछ बग्स फिक्स अपडेट होगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा जितने भी मतलब स्टेबल अपडेट रिलीज़ किए गए जितने भी डिवाइस के लिए, उसके बाद एक स्टेबल अपडेट आता है, तो स्टेबल अपडेट अक्टूबर में भी देखने को मिलेगा। साथ में हमको कुछ फीचर भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारे बग्स फिक्स किए जाएगा और सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिलेंगे। और फीचर की बात करें तो फीचर तो सब मिल चुका है शायद तक आपको, फीचर के नाम पे कुछ बग्स फिक्स हो गए और बहुत सारे, मतलब एक फीचर होगा रियलमी न्यू क्लीनअप एंड एंटीवायरस देखने को मिल सकता है, शायद ही मिल सकता है क्योंकि रियलमी के एक ऑफिशियल मतलब जैसे Q&A होता है, आपको पता होगा, मतलब रिकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर देते हैं मॉडरेटर या ऑफिशियल जो भी रहते हैं वो आंसर देते हैं। तो एक बंदे ने पूछा था कि रियलमी का ये क्लीनअप और एंटीवायरस कब आएगा, तो गाइस उसमें मतलब जो मॉडरेटर ने रिप्लाई दिया है कि Q4 में आएगा, Q4 2020 अंडर डेवलप हो रहा है, मतलब Q4 2020 में देखने को मिलेगा, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे Q4 2020 में देखने को मिलेगा, मतलब Q4 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा, मतलब अक्टूबर में भी मिल सकता है, नवंबर में भी मिल सकता है, दिसंबर में भी मिल सकता है, बात नहीं हम बता नहीं सकते, लेकिन अक्टूबर में भी मिल सकता है, ये चांस हो सकता है, मतलब अभी इतना नहीं मालूम, लेकिन अक्टूबर में देखने को शायद मिल सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस, तो नेक्स्ट डिवाइस है रियलमी 2 प्रो। तो गाइस रियलमी 2 प्रो को भी एक अपडेट भी देखने को मिलेगा क्योंकि रियलमी को भी शायद 2 साल हो गए, रियलमी 2 प्रो को भी शायद 2 साल देखने को हो गया है, तो उसको शायद ये लास्ट अपडेट हो सकता है, इतना तो नहीं मालूम लेकिन हो सकता है, और अपडेट आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा, आपको अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा अपडेट रियलमी 2 प्रो का। तो फीचर के बाद फीचर में आपको कुछ बग्स फिक्स देखने को मिलेगा और सिक्योरिटी पैच दे देंगे अक्टूबर का, और रियलमी का ये एंटीवायरस का और ये एंटीवायरस और अपना क्लीनअप देखने को मिल सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस है रियलमी 3 और 3i। तो गाइस रियलमी 3 और 3i का सितंबर में अपडेट मिल चुका है, तो इस बार अपडेट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी ओल्ड डिवाइस हो गया है, तो आप लोग को पता होगा कि इनको अगस्त में अपडेट देखने को नहीं मिला था, सितंबर में अपडेट मिला था, तो इसीलिए अभी अक्टूबर में शायद नहीं देखने को मिलेगा और इनको नवंबर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और फीचर तो अब नवंबर वाले वीडियो में देखने को बता दूंगा मैं आपको, फीचर के साथ देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस रियलमी 3 प्रो XT5 प्रो। तो कैसे रियलमी 3 प्रो 5 प्रो एक्स और XT में इस महीने अपडेट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग को पता होगा अगस्त का अपडेट ये चारों डिवाइस को नहीं मिला था,
ये चारों डिवाइस को अभी मतलब पुराने हो गए, एक साल पुराने हो गए, तो वो रियलमी का कहना है कि 6 महीने अपडेट देते हैं, उसके बाद एक एक महीना छोड़ के अपडेट देते हैं। तो आप लोग को पता है 6 महीना लगातार अपडेट मिलता है, फिर एक एक महीना अपडेट छोड़ के देखने को मिलता है। तो आप लोग को पता होगा अगस्त में अपडेट नहीं मिला था ये चारों डिवाइस को, डायरेक्ट सितंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ, अगस्त और सितंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट देखने को मिला था। तो इस बार अपडेट शायद इनको नहीं मिलेगा, मैं इतना श्योर नहीं हूं गाइस, 50-50 चांसेस है मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, मिलेगा तो फीचर के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, सुपर पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाएगा, और रियलमी का न्यू क्लीनिंग और एंटीवायरस फीचर देखने को मिल जाएगा, मतलब फीचर देखने को मिल जाएगा, और छोटे मोटे बग्स फिक्स रह गए उसको फिक्स किया जाएगा। तो ये शायद अगर मिल जाएगा तो अपडेट गाइस ये फीचर देखने को मिल सकता है, अगर नहीं मिला अपडेट तो आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेगा अपडेट। बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस, रियलमी एक्स टू प्रो और रियलमी एक्स टू। तो रियलमी एक्स टू प्रो को अपडेट देखने को मिलेगा, उसको भी यही फीचर देखने को मिलेगा, अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच, और रियलमी का जो न्यू क्लीनिंग मास्टर है और अपना एंटीवायरस देखने को मिलेगा, और बहुत सारे बग्स रहेगा उसको फिक्स किया जाएगा। सुपर पावर सेविंग मोड इसको मिल चुका है तो इसको तो नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात है एक्स टू को, तो गाइस एक्स टू को भी शायद नहीं देखने को मिलेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि जो रियलमी 3 प्रो एक्स और एक्स टी और जो 5 प्रो ये सारे डिवाइस को मतलब एक्स टू को सेम ही अपडेट जहाँ तक मिलता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है शायद ही देखने को मिलेगा। 50-50 चांस है, 50% चांस है मतलब रियलमी एक्स टू को देखने को मिलेगा अपडेट, और अपडेट के नाम पे जैसा कि आप देख रहे हो वही सब देखने को मिल जाएगा। और शायद मुझे जहाँ तक याद है कि सुपर पावर सेविंग मोड अभी रियलमी एक्स टू को मिला है कि नहीं मिला है ये मुझे नहीं मालूम है, अगर मिला होगा तो नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर देखने को मिल जाएगा रियलमी 3, 5 प्रो एक्स टी जैसा फीचर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर रियलमी 5, 5i, 5s। तो गाइस ये सारे डिवाइस को भी फीचर देखने को मिलेंगे, और फीचर के नाम पे वही सिक्योरिटी पैच दे देंगे, 5 अक्टूबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दे देंगे, और सुपर पावर सेविंग मोड दे देंगे, और रियलमी न्यू क्लीनिंग मास्टर एंड अपना ये एंटीवायरस दे देंगे, और जो बग्स रहेगा उसको फिक्स किया जाएगा। तो बग्स तो बहुत फिक्स किया जाता है रियलमी के 5, 5i, 5s में, तो इसमें बहुत सारे बग्स फिक्स हुए जाएंगे। और बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस रियलमी 6, 6i, 6 प्रो। तो गाइस ये तीनों डिवाइस को भी अपडेट देखने को मिलेंगे, तो इन लोग को मतलब ये लेटेस्ट डिवाइस है, मतलब अभी इनको 6 महीना 7 महीना हो गया होगा, लेकिन तो भी लेटेस्ट डिवाइस माना जाएगा, इनको भी अपडेट देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी पैच मतलब 5 अक्टूबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा, और साथ में सुपर पावर सेम मोड भी देखने को मिल जाएगा, और रियलमी का क्लीनिंग ऐप फीचर भी देखने को मिल जाएगा, एंटीवायरस भी देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो बग्स रहेगा उसको फिक्स किया जाएगा। मतलब रियलमी 6, 6i और 6 प्रो को ये सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, और इनको भी 100% अपडेट देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस, तो रियलमी C3 नार्जो 10 है। तो गाइस ये तीनों डिवाइस को भी फीचर देगा मतलब अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी लेटेस्ट डिवाइस में हाल ही में लॉन्च हुआ है, नार्जो 10 और 10 है, और रियलमी C3 भी थोड़ा पुराना है लेकिन उसको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है ये तीनों डिवाइस को अपडेट साथ में मतलब वर्जन थोड़ा बहुत अलग रहता है एक दो डिवाइस का, लेकिन पूरा सेम ही रहता है चेंज लोग। तो इनको भी 5 अक्टूबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा, सुपर पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाएगा, और रियलमी का क्लीनिंग ऐप और एंटीवायरस देखने को मिल जाएगा, मिल भी सकता है नहीं तो नेक्स्ट मंथ भी मिल सकता है, इसका हम ये कंफर्मेशन नहीं बोल सकते, लेकिन मिल भी सकता है कभी कभी, और मिलेगा तो Q4 में मिलेगा आपको, नवंबर में भी देखने को मिल जाएगा नहीं तो दिसंबर में देखने को, लेकिन 100% ये 3 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो बक्स रहेगा उसको फिक्स किया जाएगा। तो गाइस ये रियलमी नार्जो 10 और नार्जो 10 ए की बात करते तो जो अभी हाल ही में अपडेट आया था उसमें स्मूथ स्वॉलिंग फीचर और सुपर पावर सेविंग मोड बहुत सारे यूज़र को नहीं मिला था नार्जो 10 और 10 ए में, तो कोई बक्स आ गया इसीलिए नहीं मिला होगा, तो उनको ये मतलब ये अपडेट मिलेगा अक्टूबर में, उसमें फिक्स करके इनको भी मिल जाएगा अपडेट, तो अच्छी बात है। बात करते हैं नेक्स्ट तो रियलमी X50 प्रो। तो X50 प्रो को भी अपडेट मिलेगा, जैसा कि आप लोग को पता होगा रियलमी UI 2.0 का बीटा प्रोग्राम चालू है X50 प्रो में, ओपन बीटा अक्टूबर मतलब ओपन जैसा कि आप स्क्रीन पर देखोगे ओपन बीटा चालू है एंड ऑफ अक्टूबर मतलब अक्टूबर तक चलेगा, बाद में स्टेबल इनको नवंबर में दिया जाएगा एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर, तो उससे पहले एक अपडेट भी आएगा इनको फीचर के साथ ही आएगा, कुछ बग्स फिक्स भी आएगा, सिक्योरिटी पैच दिया जाएगा और बहुत सारे बग्स फिक्स होएगा, ये सब देखने को मिलेगा, मतलब जिनको रियलमी UI 2.0 का बीटा नहीं मिला होगा उनके लिए भी एक अपडेट आएगा। तो
Realme X50 Pro को भी अपडेट मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस, तो Realme C11, C12, C15 तो ये सारे डिवाइस को भी अपडेट देखने को मिलेगा। तो गाइस ये लेटेस्ट डिवाइस है तो हम इतना बोल नहीं सकते क्या क्या फीचर के साथ आएगा, लेकिन इनको भी सिक्योरिटी पैच और बग्स फिक्स का अपडेट देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस, तो 7 Pro ये डिवाइस को भी देखने को मिलेगा अपडेट। ये तो हाल ही में लॉन्च हुई, इनको भी अपडेट देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी पैच और जो छोटे मोटे बग्स रहेंगे उसको फिक्स किया जाएगा और कुछ फीचर के साथ देखने को मिलेगा। क्लीनिंग ऐप भी आ सकता है, क्लीनिंग मास्टर और एंटीवायरस का जो फीचर है वो भी आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट ईयर Realme Narzo 20 A20 Pro ये डिवाइस को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इनको भी अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा, शायद एंटीवायरस देखने को मिल जाएगा और क्लीनिंग मास्टर देखने को मिल जाएगा जो Realme का खुद का है, और साथ में जो बग्स रहेगा उसको फिक्स किया जाएगा और छोटे मोटे फीचर भी ऐड किए जाएंगे। अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर, Realme X3 और X3 Super Zoom को भी अपडेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये भी लेटेस्ट डिवाइस है और सुब प्रीमियम डिवाइस है, तो इनको भी अपडेट देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी पैच और बग्स फिक्स के साथ अपडेट देखने को मिलेगा, और साथ में जो क्लीनिंग मास्टर वो भी देखने को मिल सकता है, हमें शोर नहीं हो लेकिन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये था Realme के मतलब कौन से डिवाइस को अपडेट देखने को मिलेगा और कौन से डिवाइस को नहीं मिलेगा और किस फीचर के साथ देखने को मिलेगा, ये पूरा वीडियो में आपको मैं बताया। और बात करते हैं कहां तक मतलब कब तक अपडेट देखने को मिलेगा, तो गाइस एंड ऑफ अक्टूबर मतलब अक्टूबर से पहले से देखने को मिलेगा, क्योंकि Realme हमेशा अक्टूबर के एंड में मतलब 15 से 20 टेस्ट स्टार्ट करता है और लाते एंड तक फटाफट सबको अपडेट पुश कर देता है, और जितने भी डिवाइस का नाम लिया हो मैं उनको अपडेट देखने को मिलेगा, और जितने भी डिवाइस का मतलब नहीं नाम लिया मतलब इनको अपडेट नहीं मिला तो उनको अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, और जो फीचर विशेष आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, कोई भी अपडेट आएगा मतलब ये डिवाइस के रिगार्डिंग तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो गाइस इतना था वीडियो में, और कुछ अपडेट आएगा मैं वीडियो बना के दे दूंगा, तो गाइस उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और गाइस लाइक एंड कमेंट कर देना। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।